वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे गार्डन में कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी हम कटिंग लगा सकते हैं, और जो नए गार्डनर हैं जिन्होंने नई गार्डनिंग शुरू करी है उनके लिए ये बहुत ही 100% सक्सेसफुल कटिंग रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से पौधे हैं जिनकी आप कटिंग अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बेलें होती हैं उनकी आप कटिंग जो है वो आसानी से लगा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई उसके लिए स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं है और वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक बेल है जो कि मैंने अपने ही गार्डन के दूसरे प्लांट से ली थी, दूसरी बेल से ली थी, और देखिए थोड़ी सी लगाई थी और ये देखिए कितनी 4 इंच के पॉट में ही कितनी ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लगा सकते हैं आप, इस बेल की कटिंग को लगा सकते हैं। और एक आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट की कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से चल जाती है। और एक ये देखिए पॉटुला जो है, इसकी भी आप कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो बेल है इसमें से ही मैंने ये प्लांटर भी बनाया है, ये देखिए आप। तो ये भी बेल जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है, चल जाती है ये वाली बेल भी। और एक अपराजिता की बेल भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए ये ऊपर तक जा रही है। तो ये जो बेलें हैं दोस्तों ये आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और ये जो है दोस्तों इससे आपके प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आती है और वो जो हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि दोस्तों और भी बहुत से प्लांट होते हैं उनकी कटिंग लगाने में हमें दिक्कत आती है और वो नहीं चल पाती हैं, सूख जाती हैं वो कटिंग जो है, लेकिन ये आप बेलों की कटिंग लगाइए अपने गार्डन में तो ये बिल्कुल नहीं सूखेगी दोस्तों, और आपकी बिल्कुल आसानी से नए गार्डनों के लिए जो जिन्होंने अभी नई गार्डनिंग शुरू करी है उनके लिए ये वरदान है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि हम कटिंग नहीं लगाते फिर वो नहीं होती हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन जब आप इनसे शुरुआत करेंगे और ये जब फलेंगी फूलेंगी तो आपको एक एनकरेजमेंट आएगा और आगे आप और भी कटिंग सीख सकते हैं लगाना। तो ये जो है आप ये वाली कटिंग शुरुआत में लगाइए, एकदम से आप किसी गुड़हल की या फिर किसी भी प्लांट की कटिंग जो आप लगाएं वो शुरुआत में आप ना लगाएं क्योंकि वो नहीं चल पाएगी, उसमें बहुत ही केयर चाहिए होती है। आप इन तरीके की ये जो बेलें हैं इनको अपने गार्डन में लगाइए, और देखिए आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी चल जाता है, इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बेल की कटिंग आप लगाएंगे तो 100% आपको चलेगी दोस्तों। देखिए इससे ही, इस वाले प्लांट से ही मैंने कितने सारे प्लांट बना लिए हैं, ये देखिए दोस्तों। और देखिए इसकी भी आप लगाएंगे ये भी चल जाएगी, और देखिए ये देखिए दोस्तों ये भी मैंने उसी प्लांट में से ही बनाए हुए हैं, इसी प्लांट में से बनाए हैं। तो ये जो है आप लगाइए, और आप मनी प्लांट की भी लगा सकते हैं, देखिए मनी प्लांट की कटिंग से ही मैंने ये भी लगाया हुआ है। तो ये जो है आप लगाइए, आपकी 100% चलेगी। मनी प्लांट आप पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी आप चला सकते हैं, इसकी जड़ बन जाती है पानी में भी। तो ये है दोस्तों छोटी सी जानकारी आज की, आपको कैसी लगी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए जो नए गार्डनर हैं वो अपने गार्डन में मनी प्लांट की, पौशला की और इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए तो वो 100% चलेगी। ओके दोस्तों, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।